हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सुरेंद्र शर्मा। तो मैंने सुना है कि गर्ल्स बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करती हैं। अभी मुझे पक्का पता नहीं है करती हैं या नहीं करती हैं, बट जो लड़कियां बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करती हैं, लड़ती हैं, तो ऐसी लड़कियों को इंग्लिश में बोला जाता है कैट फाइट। कैट फाइट यानी कि लड़कियों की लड़ाई को इंग्लिश में बोला जाएगा। वैसे कैट क्यों लगाया गया है, बिल्लियों की फाइट अब इंग्लिश का वर्ड है तो अंग्रेजों ने लगाया है, ये तो उन्हें ही ज़्यादा पता है। तो कैट फाइट का मतलब क्या हुआ, लड़कियों की लड़ाई को बोलेंगे हम कैट फाइट। और उसके बाद ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करें तो उठा के शादी कर दो, काम खत्म। और शादी करने के लिए मैं आपको एक बहुत नया वर्ड और लेटेस्ट वर्ड दे रहा हूँ और बता रहा हूँ कि वो वर्ड बना भी कैसे है। वर्ड है जंप द ब्रूम। जंप यानी कि छलांग मारना, और ब्रूम बोलते हैं झाड़ू को, यानी कि झाड़ू के ऊपर से कूदना। ये मतलब इसका नहीं है, इसका मतलब है शादी करना। अब आप कहेंगे ये इसका कैसे अर्थ बना, तो साउथ अफ्रीकन की बात करें तो वहाँ पर ये वर्ड बहुत ज़्यादा प्रचलित है। शादी करने के लिए हम जंप द ब्रूम भी लगा सकते हैं, क्योंकि झाड़ू से जो जितने भी ये ओझा होते हैं या जादूगर होते हैं या झाड़ा फूका जो करते हैं, तो वो क्या करते हैं, झाड़ू से किसी का कुछ वो भूत प्रेत होता है उतारते हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, झाड़ू को एक अच्छा सिंबल मानना और झाड़ू को फांदना या उस पर से कूदना, मतलब गर्ल्स और बॉयज़ जो शादीशुदा मतलब हैं या शादी करने वाले हैं तो वो झाड़ू से कूदते हैं, यानी कि झाड़ू के ऊपर से छलांग मारते हैं, तो उसे जंप द ब्रूम को लेकर शादी करना वर्ड बनाया गया है। तो शादी करने की एक इंग्लिश जंप द ब्रूम भी हो सकती है। और अगर शादी हो जाए किसी ऐसी लड़की से कि जो बहुत ज़्यादा झगड़ालू हो और पंगेबाज हो, और ऐसी महिलाएं या पत्नियां जो बहुत ज़्यादा झगड़ा करने वाली हों, इस तरह की पत्नियों को इंग्लिश में बोला जाएगा फिश वाइफ, यानी कि बहुत ज़्यादा बोलने वाली, तय तड़ाक या तू तड़ाक करने वाली, और ये कह लो कि बस दिमाग खा जाए बिल्कुल ही, और बहुत ज़्यादा झगड़ालू हो, सबसे लड़ती रहे, तो डेफिनेटली बंदा बिल्कुल ऐसी महिलाओं से बोर हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, और लड़ाई झगड़े में तो बंदा वैसे दुखी हो जाएगा। फिश वाइफ नहीं बनना चाहिए, झगड़ालू नहीं बनना चाहिए, और हो तो थोड़ा सा उनसे दूर ही रहें। और एक और वर्ड मैं देने जा रहा हूँ, बहुत अच्छा वर्ड है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा बूढ़े होने के बाद भी आशिकी नहीं छोड़ते, यानी कि बुढ़ापे में भी आशिकी अच्छी करते हैं, वैसे अच्छी बात भी है, शायद करनी भी चाहिए। तो जो बूढ़ा आशिक होगा उसे इंग्लिश में बोलेंगे शुगर डैड, या आप शुगर डैडी भी कह सकते हैं, यानी कि ऐसा व्यक्ति बूढ़ा आशिक जो हो उसे शुगर डैडी के नाम से जाना जाता है। तो शुगर डैडी वैसे नहीं बनना चाहिए, बट अपने आप को तरोताज़ा रखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो मैंने सोचा, बहुत समय से आपसे हमारी बात भी नहीं हो पाई और बीच में कुछ मैं भी बिजी चल रहा था तो आपसे इंटरेक्शन में नहीं कर सका। तो ये कुछ वर्ड्स अच्छे अच्छे वर्ड हैं और अपने स्टाइल्स में आप लोग इन्हें यूज़ कर सकते हैं। इनमें से कुछ वर्ड्स वर्ब हैं और कुछ नाउन हैं, तो वो एज ए वर्ब या एज ए नाउन के अकॉर्डिंग ग्रामर के हिसाब से इसे लगाया जा सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी बात आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू गाइस, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और दूसरों के साथ शेयर भी करें ताकि सब लोगों की इंग्लिश भी अच्छी हो और इम्प्रूव भी हो और इंग्लिश वो लोग बोल पाएं।